नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। लोकसभा का चुनाव का रिजल्ट जैसे ही आया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता तो छोड़िए, गोदी मीडिया भी ये कहने में जुट गई कि भाई इसमें जो सबसे बड़ी हार का कारण है वो ये है कि सांसदों के प्रति नाराजगी बहुत थी। जो सांसद थे उनको रिपीट नहीं करना चाहिए था, सांसदों के प्रति बहुत गुस्सा था लोगों में। अगर सांसद चेंज कर देते तो ये रिजल्ट नहीं आते। इन गोदी मीडिया के परम अकलमंदों से पूछो कि कुछ महीने पहले तुम कह रहे थे कि देश भर में मोदी की लहर है, देश भर में मोदी का करंट है। एक एंकर तो जोश में टीवी चैनल पर कह रहे थे कुत्ता भी खड़ा कर दो तो वो भी चुनाव जीत जाएगा, मोदी जी की इतनी लहर है। अब मुझे पता नहीं वो कौन से कुत्ते की बात कर रहे थे। ये गुल्लू गुल्लू नाम के एक एंकर जरूर फेमस हो गए हैं, उनकी बात कर रहे थे या किसी और की बात कर रहे थे। लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो फिर से वो अपने साहब को बचाने में जुट गए। एक भी आदमी की हिम्मत नहीं हो रही है कहे कि साहब चुनाव तो आपने अपने चेहरे पर लड़ा था, मोदी का संकल्प पत्र, मोदी की गारंटी, मोदी का भरोसा, मोदी का विश्वास, वो जाने क्या क्या मोदी का। वो जब नतीजे में डिब्बा गोल हुआ तो वो भी तो मोदी का, किसी और के खाते में क्यों जाएगा। मगर ये बात कहे कौन? अगर गोदी मीडिया का कोई एंकर कह देगा तो साहब की निगाह में नंबर कम हो जाएंगे। वहां तो यही कहना है कि साहब आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर खाते हैं, साहब आप बटुआ रखते हैं नहीं रखते हैं, साहब आप इतनी ताजगी में क्यों रहते हैं, इस तरह के सवाल पूछ रहे हैं। और साहब को कहना है फिर रटा रटाया कि आप लोगों को पता नहीं क्या डर है, आप लोग सवाल नहीं पूछ पाते। और सामने बैठे पत्रकार सेवक की तरह निगाह झुका लेते हैं कि साहब तो सही कह रहे हैं। उनके मन में भाव होता है कि साहब तो बायोलॉजिकल है नहीं, साहब तो इस धरती के हैं नहीं, वो तो दूसरी धरती से आए हैं, इसलिए साहब जो कहते हैं वो सच होगा। लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी के एक सहयोगी दल ने ताल ठोक दी। उनने सीधा सीधा कहा नहीं नहीं मोदी जी, ये सब हमारा जम्मा नहीं है, हमारे माथे मत फोड़ो, ये तो आप ही का किया धरा है। और साहब वो शख्स और कोई नहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शिंदे साहब हैं। लगातार कहा जा रहा था कि शिंदे की डिब्बा गोल हो गया, शिंदे की वजह से पार्टी हार गई, तो शिंदे को लगा ये तुम खाम खा मेरी ब्रांडिंग खराब हो रही है। तो शिंदे ने भी कह दिया साहब ये जो 400 पार का नारा था ना, ये डुबोने की वजह है। आपने कहा अब की बार 400 पार, और दलितों को लगा कि संविधान बदल देंगे 400 पार ला के, तो मेरी कोई गलती नहीं है साहब, 400 पार के नारे की गलती है, भाव शिंदे के ये थे। और शिंदे ने जब साहिब पे हमला किया तो भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। सहयोगी दल ने आज एक ने आंख दिखाई है, कल दूसरा दिखाएगा, परसों तीसरा दिखाएगा, फिर गडकरी और राजनाथ सिंह पीछे क्यों रह जाएंगे और योगी और शिवराज पीछे क्यों रह जाएंगे। तो साहब का तक तो ताज, साहब का सिंहासन डोलने न लगे, इसकी साहब को बड़ी चिंता है। तो बड़ा बात यह है कि शिवसेना ने ऐसा कहा क्यों? शिवसेना कहती कहती पीछे से ऑर्गेनाइजर का अखबार का भी लेख आ गया कि साहब केवल मोदी के ग्लैमर में भरोसे बैठे रहोगे तो यही होगा टाइप का लेख आ गया। तो भारतीय जनता पार्टी के दुर्दिनों की कोई सीमा नहीं है। और शिंदे ने आखिर इतनी हिम्मत जुटाई क्यों? क्या उनको यकीन हो गया कि अब उनकी नैया डूबने वाली है? तो डूबते डूबते अपनी बदनामी क्यों सहें? 3-4 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होने हुए हैं, BMC जो शायद एशिया की सबसे मालदार नगर निगम है उसका चुनाव नहीं करा रही है पार्टी BJP, क्योंकि पता है कि हाल क्या होगा। तो शिंदे ने ये बगावत का सुर अपनाया है। शिंदे ने क्या मोदी जी को आईना दिखाया है? शिंदे ने यह क्या चुनौती दी है, मोदी जी हमारी वजह से नहीं आपकी वजह से है? मामला है तो है क्या, आप भी सोचिए। और इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ बहुत खास मेहमान है, मैं पर्चा कराता हूँ सबसे आपका। मेरे साथ है मनीष कुमार सिंह, आप परिचित हैं, 4PM के स्थानीय संपादक हैं महाराष्ट्र के, सुभाष जी बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सुभाष जी न्यूज नेशन समेत तमाम बड़े बड़े अखबारों में चैनलों में काम किया, बहुत अच्छा बोलते हैं। और प्रशांत जी हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप के शहर प्रमुख हैं, ये आज मेरे साथ बातचीत करेंगे। तो मनीष जी, ये शिंदे साहब में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि सीधा सीधा मोदी जी को धर लिया आज उन्होंने कि भाई मोदी जी आप जानो, आपका काम जानो, मेरी वजह से नहीं है, इतनी हिम्मत कहाँ से आई? संजय सर देखिए, बात यह है कि इस समय एकनाथ शिंदे हैं उन पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर है। प्रेशर है एक तरफ तो जिस तरीके से परफॉर्मेंस हुई है मुंबई महाराष्ट्र में उनके पार्टी के द्वारा, उसके बाद वो दिल्ली गए थे, तमाम बैठकें हुई हैं सबको पता है, और समीक्षा बैठक भी उन्होंने बुलाई थी अपने घर पर, जहां उन्हें ये मालूम चला कि पार्टी के अंदर भी बहुत कुछ
नेता जो है वो चाहते हैं और वो अभी नहीं हो रहा। एक तरह से कहा जाए तो शायद उनकी सुनी भी नहीं जा रही, अगर हम ये बात कहें तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि जब चार चार सांसद और एक सांसद लेके आने वाले पार्टियों को जब कैबिनेट में इतना जो है वो दिया जा रहा है, पद दिया जा रहा है, ऐसे में सात सांसद वाली पार्टी को अगर इस तरीके से किनारे किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है कि एकनाथ शिंदे की चल नहीं रही है। और एक तरफ तो वो अपने से ऊपर के जो लोग हैं बीजेपी में वहां तक बात पहुंचा नहीं पा रहे ठीक से, और वहीं उनके पार्टी के जो नीचे हैं जो बाकी के जो सांसद हैं विधायक हैं उनकी बात भी वो सुन रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे, ऐसी लग रही स्थिति में। अब कितना कोई संजय जी अपने ऊपर लेगा, एक तरफ तो उनको दोष भी मना जा रहा है कि परफॉर्मेंस ठीक नहीं हुई, ऊपर से जो जीत कराए हैं वो कुछ डिमांड भी कर रहे हैं, अब इन सबके बीच अब जब उन्होंने बोला है तो जाहिर सी बात है ये मन में उनके बहुत पहले से ही रहा होगा, क्योंकि जिस तरीके से 400 पार का नारा लगाया गया था और यहाँ पर महाराष्ट्र में तो 48 में से 45 पार का नारा लगा दिया गया था, जो कि बहुत ज्यादा एक तरीके से वो तो समझ ही नहीं आ रहा था किसी को कि आखिर ये नारा लग भी कैसे सकता है। और सबसे ताज्जुब की बात कि चलिए बीजेपी और एनडीए की पार्टियां तो लगा सकती हैं कि उनको तो जीतना है, माहौल बनाना है, लेकिन साथ ही साथ टीवी चैनल्स के पत्रकार भी ये बात कह रहे थे जैसे आपने बताया, ये तो अजीब ही बात होगी क्योंकि उनको तो सब कुछ फीडबैक मिलता रहता है। तो इसके बाद अगर हम देखें तो ये जो ठीकरा था वो कहीं ना कहीं तो फूटना ही था। अब सब लोग मिल करके अगर एकनाथ शिंदे को ही कहेंगे तो वो दबाव वो प्रेशर भी उन पर दिखाई दे रहा है, जिसके बाद इस तरह से बयान आना कि बीजेपी की तरफ से जो 400 पार का नारा लगाया गया था वही कहीं वही उन्हें जो है नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से 400 पार का नारा लगा कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, हालांकि बीजेपी ये कहती है कि हम नहीं करने वाले थे, ये तो अपोजिशन का नैरेटिव है जो वो सेट कर रहे थे चुनावों में। उसके बाद यहाँ पर आरक्षण का मामला जो है कहीं वो उलट पलट ना हो जाए महाराष्ट्र में, उसकी भी एक जो है मैसेज लोगों तक गया। आखिर बीजेपी 400 पार का नारा लगा क्यों रही थी, इसका जो एक मैसेज था वो लोगों को जो है कहीं ना कहीं ये लगा कि कुछ कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, और इसीलिए अब ये बात तो ये कह रहे हैं। लेकिन जमीन पर आप देखिए तो सिर्फ 400 पार का नारा ही एक बहुत बड़ा फैक्टर नहीं था जो उन्हें नुकसान पहुंचाया, आपने जमीनी मुद्दों पर काम ही नहीं किया है। महाराष्ट्र के इतने सारे मुद्दे हैं आप उनको उठाते ही नहीं हो, आप ना नासिक की बात करते हो, ना महाराष्ट्र के जो इंटीरियर है जो पलायन की जो सबसे बड़ी समस्या है ना उनकी बात करते हो, ना किसानों की बात करते हैं आप, तो ये सब चीजें तो होनी ही थी। अब बात है कि अब हार गए हैं तो ठीकरा किस पे पड़ा जाए, अब अपने ऊपर ले नहीं सकते, विधानसभा चुनाव है और इतना बड़ा फॉल्ट सामने आ जाएगा, अब ऐसे में क्या करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रेव कह सकते स्टेप है संजय जी कि ये कह देना कि बीजेपी के 400 के पार के नारे से जो है मैं फजीहत झेलनी पड़ी है, ये भी अपने आप में बहुत बहादुरी का काम वैसे किया एकनाथ शिंदे ने। ये बात तो ठीक है, कम बहादुरी का काम नहीं है कि सीधे 400 पार के नारे को खड़ा कर दे। सुभाष जी, ये आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी बहादुरी का काम है जो करके दिखा दिया शिंदे ने? संजय जी, मुश्किल से 8 दिन हो गए चुनाव का रिजल्ट घोषित होने के बाद, और एकनाथ शिंदे इन्होंने ये ठिकरा नरेंद्र मोदी इनके ऊपर फोड़ा है सीधे सीधे। आपको याद होगा कि जंगल में जब शेर कमजोर होता है तो उसकी दहाड़ पहले सुनकर जो चुप बैठते थे वो आगे आके जानवर शेर को आंखें दिखाते हैं। तो यही सिचुएशन है नरेंद्र मोदी और अमित शाह इनकी, कि इनकी पहली दहाड़ जो सुनते थे वो डर जाते थे। मुझे एक मिनिस्टर ने जो अजीत पवार एनसीपी गुट के हैं उन्होंने कहा था आपने देखा नहीं कि अमित शाह कैसे डांटते हैं, एक बार आप डांट सुनिए फिर आपको पता चल जाएगा। तो ये जो दहाड़ थी, ये जो एक रौब था वो खत्म हो गया है, जनता ने उसको दिखा दिया है, और यही कारण है कि सबसे पहले एकनाथ शिंदे ने ये नरेंद्र मोदी और इनको ताना मारने की कोशिश की है। आप देखिए कि एनडीए के जो घटक दल है उसमें चौथे नंबर पे एकनाथ शिंदे का गुट है, और यानी आप देखें तो उसमें चंद्रबाबू नायडू, तेलुगु देशम और जनता दल यूनाइटेड के बाद शिवसेना का नंबर आता है। तो ऐसे में उनको पता है कि नेशनल पॉलिटिक्स में उनकी जरूरत बीजेपी को लगेगी, और यही बीजेपी है जिन्होंने एकनाथ शिंदे को अपने आंकड़ों के खिलाफ बोलना सिखाया, क्योंकि एकनाथ शिंदे हमेशा जब वो ब्लॉक लेवल पे लीडर थे तब आनंद दिघे इनकी वो आदेश सुनते थे, उसके बाद उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे के आदेश सुनते थे, उसके बाद बीजेपी के नेता अमित शाह हो, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस इनकी आदेश वो सुनते थे, चू तक नहीं करते थे। लेकिन बीजेपी ने उनको उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ बोलना सिखाया, और यही वो गुरु को ही अभी वो शिक्षा दे रहे हैं जो वो अब तक उनको तालीम जो मिली है। दूसरा मैं आपको ये बताऊं कि एकनाथ शिंदे, इनको पता है कि वो अभी चीफ मिनिस्टर नहीं बनने वाले हैं, जो 4 महीने में चुनाव होने जा रहा है
उसमें अगर हम लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के परिणाम देखें तो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज 184 सीटों पर महाविकास आघाड़ी आगे है, यानी उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस का जो पूरा दल है या इंडिया आघाड़ी, वो आगे हैं, और ऐसे में उनके 4 महीने आखिरी बचे हुए हैं, ऐसे में वो खुद को एक जुझारू नेता साबित करना चाहते हैं, और उनको ये भी पता है कि अगर विधानसभा वो हार जाते हैं तो ठिकरा उनके ऊपर फोड़ा जाएगा, ना कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह उसके लिए जिम्मेदारी लेंगे। देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने पहले ही कन्नी काटी है, वो कह रहे हैं कि मेरे ऊपर जिम्मेदारी नहीं है, मुझे आप रिलीज कर दो। तो एकनाथ शिंदे, उनको ये भी दिखाना कि उनका अपना कुनबा जो है उनको आंसर वो है, जीतन राम मांझी एक सांसद होने के बावजूद उनको कैबिनेट मिनिस्ट्री मिलती है, चूंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है इसलिए, और उसी महाराष्ट्र में 7 सांसद आने के बावजूद सिर्फ एक MOS मिलता है, तो इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे अपने समर्थकों के पास आप? तो ये एकनाथ शिंदे, इनको दिक्कत है। बिल्कुल ठीक बात है, कैसे जस्टिफाइड करेंगे कि इतनी फजीहत हुई है। प्रशांत जी, आपके पुराने दोस्त हैं शिंदे साहब, चले गए आपको टाटा बाय बाय करके, लेकिन अब हिम्मत दिखा दी, क्या लग रहा है ये हिम्मत कहां से आई होगी शिंदे साहब के पास? नमस्कार, हेलो, नमस्कार प्रशांत भाई, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार जो है शिरके साहब, उन्होंने जो बता दिया कि पहले तो हमारे उद्धव साहब के आदेश से सब कुछ चलता था, लेकिन मोदी जी ने जो आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद से उन्होंने अभी डायरेक्ट CM तो बन गए, तो उनके ऊपर सब हुकूमत की सब बोलते ना ताकत आई, इसलिए उन्होंने बोलना चालू किया। लेकिन अभी जो 412 का जो नारा था और उन्होंने बोल दिया कि 400 का नारा दिया इसलिए हम लोग बैकफुट पे आ गए, वो सही है, क्योंकि 4 महीने के बाद वो फिर से तो CM बनने वाले नहीं है, इसके पहले जो भी है जो बोल देना है वो बोल देते हैं। अच्छी तरह से शिरके साहब ने बताया, उनका पॉइंट तो पकड़ लिया है। और मैं कहना चाहता हूँ जो 400 का पार जो बोला हम 400 के ऊपर जाएंगे, और इसके बीच में जो आया था संविधान का सब्जेक्ट, वो कहाँ उनको मिसमैच नहीं हुआ और लोगों ने उनको बैकफुट पे डाला। और महाराष्ट्र में सबसे बड़ी बात यह हो गई कि वो बैकफुट में जाने का रीजन एक ही था मेरे कहने से, और मेरा छोटा अंदाज ये है कि मराठा फैक्टर जो महाराष्ट्र में है उन्होंने उनको पीछे डाल दिया, यही रीजन है, इसलिए वो बैकफुट पे बीजेपी गई। लेकिन आपकी पार्टी के हाल क्या रहेंगे विधानसभा चुनाव में? क्या कांग्रेस से खटपट हुई है विधान परिषद के चुनाव में भी? आज सुबह खटपट होने की खबरें थी, आपने बिना कांग्रेस से पूछे सब अपने MLC उतार दिए। नहीं सर, अभी तो खबरें तो ऐसी अभी भी 1-2 महीना आती रहेगी, लेकिन असलियत वो नहीं है। जो हम लोग तीनों मिलके जो महाराष्ट्र से बीजेपी को हद्दपार किया, वो अभी भी जो विधानसभा में हम लोग वही करने वाले हैं। और स्ट्रैटेजी आखिर हमारे जो वरिष्ठ जो है उद्धव साहब है, वहां से शरद चंद्र जी पवार है और कांग्रेस के नेता है, वो बैठ के बात करेंगे और वो फाइनल होगा, उसमें कुछ नटखट होने वाली की संभावना नहीं है। ये अगर शिंदे आपसे नेता से माफी वाफी मांग ले उद्धव ठाकरे से, तो आप लोग वापस ले लेंगे? पुराने दोस्त हैं। देखो सर, अगर ये सवाल सबसे बड़ा है, लेकिन मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं छोटा सा एक शिवसेना का पदाधिकारी हूँ, सैनिक हूँ, लेकिन हमारे सैनिक के वजीर आजम तो मातोश्री में बैठेंगे, वो जो आदेश लेंगे वो हमको सर आगे पे लेके चलना है, वो जो बोलेंगे वही। अभी तक तो यही है, शिवसेना के 4 शब्द में है जो हम लोग ने शिवसेना, मतलब हमारे जन्म से हम लोग शिवसैनिक है, हमको यही मालूम है, मातोश्री का आदेश हम लेके चलते हैं। मातोश्री ने अगर ये कहा कि कार्यकर्ता अपने मन की बात बताओ, इस बार तुम्हारे मन की जो राय होगी वही हम मानेंगे, तो प्रशांत भाई के मन की राय क्या है कि अगर शिंदे माफी मांगेगा तो वापस ले लो? अभी वही मैं बोल रहा हूँ, अभी मन की बात मांगने के लिए हम लोग बोलेंगे, अगर माफी मांगते हैं और माफी मांगने से सब कुछ अच्छा होता है तो देखते क्या होता है, लेकिन आम पब्लिक का कहना है, जिन्होंने खंजीर घुसा है हमारे पीछे दगा किया उनको मत लो, ऐसा आम लोगों का कहना है। क्या लग रहा है शिंदे गुट को ताकत मिलेगी, कोई बीजेपी और शिंदे मिलकर लड़ेंगे, कैसा सीन है? अभी सर अभी देखा जाएगा तो शिंदे साहब ने अपना गढ़ रख दिया, मजबूत कर दिया, क्योंकि बीजेपी की इतना बड़ा ताकत होने के बावजूद वो बीजेपी उनके बैक साइड में गई और वो आगे आ गई। वो देखो ना, बीजेपी को कितना कैंडिडेट था, शिंदेगढ़ को कितना था, अपना अपना जो एरिया था उन्होंने काबिज करके रख दिया, अभी बीजेपी का देखेंगे। मेरे को नहीं लगता 4 महीने के बाद बीजेपी के साथ वो रहेंगे कि नहीं रहेंगे, अभी भी खटमट चालू है, अभी जिनको 7 जून क्या है उनको भी एक राज्य मंत्री पद मिल रहा है,
और जिनका एक एक सीट आया उनको कैबिनेट मंत्री मिल रहा है। तो मुझे भी नहीं लगता है कि दिल्ली में भी सरकार टिक पाएगी, क्योंकि तीन पहियों वाली सरकार बन गई। अगर नायडू हट गए, उसके बाद नीतीश कुमार भी हट गए, तो दो तीन पहियों वाली सरकार मेरे को लगता है चलेगी करके, दो महीने में रिजल्ट आएगा। प्रशांत भाई, अभी भी ईडी और सीबीआई जिंदा है, कहाँ चले जाएंगे एमपी? ईडी और सीबीआई है ना अभी। ईडी सीबीआई तो मैं बोलता हूँ ये 2.5 साल में खत्म हो गई, जितना डराने का वो डर गए, अभी कोई डरने वाला नहीं है। नंबर उन्होंने ट्राई किया, उनके पास वो शस्त्र था, श्री कृष्ण ने बोलता था ना वो अशोक चक्र भेजा था, वैसा उनके पास सीबीआई और ये दिया था, वो खत्म हो गया सर, उनका धारी खत्म हो गया। नंबर आप लोगों का लगेगा, सोच लीजिए संजय राउत जी के फिर आ जाएगी दोबारा। अरे यार वो तो शेर है, दोबारा जाएगा तो फिर से अंदर जाके फिर से बाहर आएगा। आप लोगों को डर नहीं लगता इतने ताकतवर नेता हैं? इतने ओरिजिनल शिवसेना वाला कभी डरता ही नहीं सर, हम तो कफन बांध के बाहर निकले हैं, हम चाहते हैं कि ऊपर ऊपर आ जाओ, बिंदास है हम लोग। ये जो शिंदे साहब वाली शिवसेना है, इनके लोगों को डर लगता है? डर लगता रहेगा, इसलिए तो उधर गए ना। और अभी तक शिवसेना में जो ओरिजिनल शिवसेना है, उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो शिवसेना है, उन्होंने अभी तक यहाँ तक कभी हिंदू मुस्लिम का नारा नहीं दिया था। लेकिन मैं आपको सबूत के साथ बोलूंगा, जय थाना, ये थाना और मीरा भाईंदर के एरिया में मैं अभी जो कार्य पद पे हूँ, यहाँ के हमारे एमएलए थी गीता जैन, इन्होंने 2 महीने पहले बड़े बड़े फ्लैग लगाए थे कि मैं हिंदू शेरनी हूँ और उनके सपोर्ट में हैदराबाद से टी राजा करके आता है, यहाँ रैली निकलते है। क्या क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? ये भी फैक्टर मायने रखता है, महाराष्ट्र में सब्जेक्ट और मैसेज बहुत बड़ी तरह पे गया और इनका हार होने का रीजन यही है सर। क्या जरूरत है, हिंदू मुस्लिम सिख इकाई एक जगह पे हम लोग रह रहे, पॉलिटिक्स एक जगह पे, व्यवहार एक जगह पे, और तुम बड़े बड़े फ्लैग लगाओगे हम हिंदू शेरनी है, हम ये करेंगे और हैदराबाद से लोग आएंगे, क्या यहाँ शहर नहीं है क्या? टी राजा को हैदराबाद से महाराष्ट्र में आना पड़ता है, वो भी मीरा भाईंदर के शहर में, और वहां उसको रैली निकालनी पड़ती है कि यहाँ शहर नहीं है बीजेपी में, यहाँ शहर नहीं है जो हैदराबाद से मंगाना पड़ रहा है। ये फैक्टर है सर बीजेपी का, और इसके वजह से बीजेपी बैकफुट पे गई है। आपकी भी तो एक शेरनी गई थी वहां पे हैदराबाद में प्रचार करने, नवनीत राणा। हाँ महाराष्ट्र की भी तो एक शेरनी नवनीत राणा गई थी प्रचार करने के लिए ओबीसी के खिलाफ। उसका तरीका ही अलग था ना, वो शेरनी का थी, अगर शेरनी होती तो हनुमान चालीसा हनुमान चालीसा नहीं करती थी, इसलिए भगवान। एक और एक फैक्टर अच्छा हुआ आपने सर सब्जेक्ट निकाला, बीजेपी का जो फैक्टर था ना कि भगवान के नाम से देव देवता के नाम से राज्य करो, लोगों को बहकाओ, लोगों के मन में जाओ, वो सब गलत है, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हैं, युवा पीढ़ी आपकी फैक्टर बहुत बड़ा है, जिन्होंने राम 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 करके किया, उन्होंने राम जी ने उनको बाहर निकाल दिया, अयोध्या से लेकर नासिक तक देखो सर। और नवनीत राणा ने तो हनुमान चालीसा किया, उसको हनुमान जी ने बाहर निकाल दिया। राम हमारे भी मन में है, हम भी हिंदू है, लेकिन मन में राम होना चाहिए, हाथ में काम होना चाहिए, ये हिंदुत्व की शिक्षण है। ये लाइन आपने सही की, मन में राम हाथ में काम। आप भी जले पर नमक छिड़क रहे हैं, अयोध्या हार की बीजेपी बहुत दुखी और आप उस पर नमक और छिड़क दे रहे हैं, अयोध्या की बार बार याद दिला के। कब तक आप अपमानित करेंगे अयोध्या का नाम ले लेके आप लोग? जब जब हम अयोध्या जाएंगे, राम जी का दर्शन करने जाएंगे, तब तक ये बात बोलते जाएंगे, चाहिए तो एक बैनर उधर लगा देंगे। आप भी गजब कर रहे हैं, लेकिन अपने परिवार को एक कर लीजिए, राज ठाकरे को ले आइए वापस, भाई भाई तो एक जगह रहे। वो बीजेपी का फैक्टर ही वही है, भाई भाई को तोड़ो, घर घर तोड़ो, पार्टी पार्टी तोड़ो, अपने से कुछ होता नहीं है, दूसरे का ले लो। एक कहावत है, अपने को जब बच्चे नहीं होते ना तो दूसरे के ले लेते, गोद में बिठा देते और बोलते ये हमारा बच्चा है करके, ये बीजेपी का कहावत है। खुद का क्या है बीजेपी में, जब जो है वो सब भाड़े से तो लिया है, बाहर से तो लिया है, और यही राजनीति हो रही है बीजेपी की। प्रशांत जी कोई तो कमी रही होगी आपकी, जो बीजेपी आपके आप भाई भाई को तोड़ने में कामयाब हो गई, कमी तो आप में भी रही होगी ना कोई? हमारे जो बुजुर्ग बुजुर्ग है वो हमको बता रहे कि बीजेपी को बड़ा करने में हमारी गलती होगी। जब बीजेपी महाराष्ट्र में आए तो हमारे जो मेरे पीछे दिख रहे हमारे दैवत है बाला साहब, वो बाला साहब ने हमारे दैवत ने उनको हाथ लेके बड़ा किया, बड़प्पन किया, उनको महाराष्ट्र में चलना सिखाया, और वही हमारे बड़े होके हमारे पीछे खंजीर खोल दिया, और इससे बड़ा क्या होएगा? लोग जानते हैं महाराष्ट्र की जनता,
महाराष्ट्र के लोग बहुत ज्ञानी हैं, उनको मालूम है कैसा क्या करना है, किसने क्या किया है, और उसका सब आंसर अभी तो लोकसभा में दिया, अभी विधानसभा में भी देगी। अच्छा, अगर आज बाला साहब जिंदा होते तो बीजेपी की इतनी हिम्मत होती कि वो शिवसेना को तोड़ ले? उतनी हिम्मत ही नहीं होती, ये प्रकार ही नहीं होता। तो उद्धव भाई इतने सीधे क्यों है? अभी हर एक का कल्चर है सर, अभी मनीष जी उधर बैठे, मैं इधर बैठा हूँ, शिरके साहब उधर, हर एक को अलग अलग तो है, हर एक के विचारधारा अलग अलग है। वैसे हमारे उधर साहब तो शांत स्वभाव के, लेकिन राजनीति में नंबर वन है और महाराष्ट्र के नंबर वन नेता है। आपको लग रहा है कि अगर दोबारा महागाड़ी की सरकार बनेगी तो उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और बन सकता है? उद्धव साहब हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई शिवसेना का कोई नेता वो मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात की बात, लेकिन अभी महाराष्ट्र में हमारी सरकार आएगी। लोग कह रहे हैं कि बीजेपी उद्धव ठाकरे जी पे बड़ा डोर डाल रही है, हो सकता है उद्धव ठाकरे पटाई में आ जाए, पड़ जाए? नहीं होगा सर, कल ही उद्धव साहब ने बताया है तुमको, अगर स्टेटमेंट चाहिए तो मैं भेज देता हूँ, वे कभी नहीं होगा, जिन्होंने अपमानित किया उनके साथ दोबारा हम जाएंगे नहीं। नहीं नहीं जाएंगे। मनीष जी, ये खबर बड़ी तेजी से चल रही है कि बीजेपी के शीर्ष नेता तो चाहता है कि उद्धव ठाकरे से बात हो, एक बड़े व्यापारी के घर में मुलाकात हुई है, ऐसी खबरें चल रही हैं। क्या लग रहा है कि कोई उद्धव ठाकरे को पास में लाने की कोशिशें क्या की जा रही हैं? जी संजय जी, देखिए ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई एक या दो एग्जांपल नहीं है। अभी मैं आपको रिसेंटली एक एग्जांपल बताता हूँ, जो बीजेपी के एक नेता है चंद्रकांत पाटिल, उन्होंने जो है अभी एक बयान दिया है और उसमें जो है ना वो बहुत सॉफ्ट दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को लेकर के। उन्होंने कहा है कि ये लोकसभा इलेक्शन में उद्धव ठाकरे ने बहुत मेहनत की और इससे जितना फायदा उद्धव ठाकरे को मिलना चाहिए था उससे कहीं ज्यादा जो है फायदा, उनकी मेहनत का फायदा, वो कांग्रेस और शरद पवार की एनसीपी को हुआ। और इस स्टेटमेंट के साथ में वो तारीफ करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं उद्धव ठाकरे के। तो बीजेपी के जो बड़े नेता है महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से बड़ा एक तरीके से सॉफ्ट नेचर जो है वो अपनाया जा रहा है, कोई भी हमलावर नहीं हो रहा है और ना ही कोई ऐसा कोई बयान दे रहा है उद्धव ठाकरे को जो जिसकी वजह से उद्धव ठाकरे नाराज हो जाए। तो ये अपने आप में बड़ा एक चौंकाने वाला बात है, क्योंकि तमाम रैलियां जब हुई थी इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन में, तो आपने हमने सबने देखा था कि किस तरीके से असली नकली शिवसेना तक की बात की जा रही थी, लेकिन अब रिजल्ट आने के बाद बिल्कुल बदले बदले से सुर नजर आ रहे हैं बीजेपी के नेताओं के महाराष्ट्र में। उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हुए चंद्रकांत पाटिल दिखाई दिए कुछ दिन पहले, और ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है अजित पवार की तरफ से भी, क्योंकि अभी जो 25वां स्थापना दिवस था संजय जी, उसमें देखिए जब शरद पवार जब अपने पार्टी के नेताओं से मिले थे तो उसके बाद तारीफ की अजित पवार ने, बोला कि आपने 25 साल तक जिस तरह से पार्टी को संभाला है उसके लिए उनको थैंक यू भी बोला है। तो ये करंट सिनारियो में इस तरीके की जो जेस्चर जो दिखाई दिए जा रहे हैं, इसका एक कुछ ना कुछ एक इंडिकेशन जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये विधानसभा चुनाव को लेकर के जो है सारे सुर बदले हुए हैं, या फिर कहीं ना कहीं बीजेपी या एनडीए अलायंस को ये पता है कि कभी भी कुछ भी बगावती सुर जो है वो फूट सकता है जो एनडीए अलायंस है उसमें, क्योंकि किस तरीके से अभी खुलकर जो है एकनाथ शिंदे अभी बोल रहे हैं वो अच्छा संजय जी, उन्होंने ये नहीं बोला कि हम हारे नरेंद्र मोदी की वजह से है, क्योंकि उन्हीं के चेहरे पर तो महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा गया था, सिर्फ उन्होंने 400 पार तक ही उन्होंने बात कह के जो है वो रुक गए वहां पर। तो ये भी एक अपने आप में एक बात है, और जाहिर सी बात है जो विरोधाभास हो रहा है, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजित पवार हो, ये दोनों तरफ की पार्टियों से अपने अपने नेताओं को ये मैसेज दिया जा रहा है, चाहे वो विधायकों की तरफ से हो या सांसदों की तरफ से हो, कि पार्टी के नेताओं का आप ख्याल रखिए ताकि उनका भी जो है वो सेटिस्फेक्शन रहे कि वो मेहनत कर रहे हैं और पार्टी में उनका वो वैल्यू वो स्थान दिया जा रहा है। अगर वो नहीं मिलेगा तो इसमें कोई शक नहीं है कि आने वाले दिनों में जरूर बगावती सुर जो है वो फूट सकते हैं और एनडीए अलायंस को बहुत ज्यादा जो है वो नुकसान हो सकता है, क्योंकि विधानसभा में कोई भी जो है विधायक ये नहीं चाहेगा या कोई भी नेता ये नहीं चाहेगा कि अभी भी गलतियां दोबारा दोहराई जाए और जो वो चाह रहा है उसके मर्जी के खिलाफ जाकर के फिर से जो बड़े नेता है वो मनमानी करें और उनकी मनमानी का जो हर्जाना है वो इन नेताओं को भुगतना पड़े। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी को भी समझ नहीं आएगा कि चुनाव लड़े तो लड़े क्या। सुभाष जी, क्या चारा है मोदी जी के पास कि उद्धव ठाकरे को लाए बिना वो महाराष्ट्र से लड़ने? महाराष्ट्र के लोगों में बहुत नाराजगी है, यहाँ के उद्योग धंधे गुजरात में चले गए, GST का यहाँ पे पेमेंट नहीं हो पा रहा, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा, पूरा महाराष्ट्र मान लो उनका मन किया कि शिफ्ट कर दें गुजरात में। संजय राउत जी तो गुजरात को लेकर बहुत तीखे तीखे बयान भी दे देते हैं। क्या लग रहा है कि अब क्या विकल्प क्या बचा है मोदी जी के पास में, महाराष्ट्र का चुनाव बिना उद्धव को साथ लिए कैसे लड़ पाएंगे? माइक अनम्यूट कर लीजिए भैया।
उद्धव ठाकरे इनके खिलाफ भ्रम फैलाएंगे, जैसा अभी चंद्रकांत पाटिल इनका जो स्टेटमेंट आया है, क्योंकि उनको पता है कि उद्धव ठाकरे वापस नहीं आएंगे, तो भ्रम फैलाने का काम करेंगे जिससे तल्खी बढ़े कांग्रेस एनसीपी और जो शरद पवार गुट है और उद्धव ठाकरे इनके बीच में, जो कांग्रेस और उद्धव ठाकरे इनके बीच में जो मनमुटाव कुछ की खबरें आ रही है जो गोदी मीडिया से आ रही है उसको और हवा देने की बात हो जाएगी। उसके अलावा जो एकनाथ शिंदे इन्होंने जो कृषि मूल्य आयोग की मीटिंग में कहा वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि महाराष्ट्र की जो प्रमुख जो ये है अनाज है जिसमें कपास आता है, सोयाबीन आता है और प्याज आता है, तो इसको जो भाव देने की बात है इसमें कोताही बरती गई और यही कारण है कि उसका काफी खामियाजा गठबंधन को, एनडीए गठबंधन को उठाना पड़ा। दूसरा मुंबई को लेकर, जो मुंबई में डेवलपमेंट तो हो रहा है, पैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रहे हैं, लेकिन एक महाराष्ट्र के लिए स्पेशल पैकेज देने की जो बात है वो भी शिंदे गुट कोशिश कर रहा है कि महाराष्ट्र के लिए कोई पैकेज ये करे, क्योंकि अभी एक बार बिहार और आंध्र प्रदेश को अगर स्पेशल स्टेटस मिलता है तो सवाल ये भी उठता है कि महाराष्ट्र को क्यों नहीं है। तो चुनाव के पहले ये ऐसा कुछ कोशिश की जाए कि महाराष्ट्र को कुछ दिखाने के लिए पैकेजेस वगैरह की घोषणा केंद्र सरकार से हो, तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो बीजेपी कर सकती है और उसके लिए बीजेपी के जो साथी हैं वो कोशिश कर रहे हैं। संजय बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और बहुत अच्छा लगा मुझे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत भाई, मनीष जी, सुभाष जी, आपने बहुत अच्छी बातचीत करी, आभार आपका, थैंक यू भाई। तो आप देख रहे थे महाराष्ट्र की राजनीति पर आधारित ये चर्चा और हम बात कर रहे थे कि बिना उद्धव को साथ लाए मोदी जी की दाल कैसे गलेगी और आखिर शिंदे ने इतना बगावत का रास्ता अपनाया तो कैसे अपनाया। मुझको यकीन है चर्चा आपको पसंद आई होगी, चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शुक्रिया, थैंक यू।